दोस्तों आज मैं ऊपर अपने पेट्स के पास काफ़ी लेट आया हूँ। देखें सारी धूप ही धूप है, गर्मी कितनी है। हमारे कबूतरों के बच्चों के जो दाने निकलते हैं ना मच्छरों को काटने, उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ पंसार की दुकान से। ये क्या है अभी बताता हूँ। ये देखें, ये है कोट जीरी, जीरे के जितना साइज है इसका। और ना ये बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट होती है इसमें। तो एक भाई हैं जानने वाले हैं, तो उन्होंने भी कबूतर रखे हुए हैं। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये आप रखो, क्योंकि मैं भी करता था। पानी में डाल के ना आपने 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रख देना, थोड़े से पानी में। कहता वो उनको प्यास लगेगी कबूतरों को, फिर वो यही कड़वा पानी पियेंगे, पानी कड़वा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगे। 2-3 दिन तक पिलाते रहो, सही हो जाएंगे। साफ पानी भर लिया मैंने, अब अपनी डक्स और मुर्गे को खोल देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। गर्मी बहुत है, रैबिट्स को आज तरबूज के छिलके डालेंगे। ये माशाल्लाह हमारे रैबिट्स तरबूज के छिलके खा रहे हैं। और इसको देखें, जितना मना कर लो बाज नहीं आएगा ये। चले भाग यहाँ से, बार बार ऊपर दाना वगैरह पड़ा ना वो खाए जा रहा, बार बार चढ़ जाता तंग करने के लिए। हालांकि ये दाना पड़ा हुआ ये नहीं खा रहे, इसको ख़राब करना है। 2-4 पाई पे पड़ा हुआ। ये थोड़ा सा धनिया भी दे देते हैं अपने रैबिट्स को। और अब बारी है हमारे पिजन्स की। इन्होंने नेस्ट थोड़ा सेट किया है, गढ़ा बना लिया। अभी ना हम इनके ये निकाल लेते हैं पानी वाले पॉट। मार क्यों रही है, नहीं कुछ कह रहा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हर जायज़ मकसद में कामयाब करे। अभी मैं ये भीगी हुई रोटी इनको यहाँ डाल लेता हूँ ताकि ये खा लें। आ जाओ भाई खा लो। ए तू नहीं खाना है क्या? उनको तो खाने दें। देखें दोस्तों उनको मार रहा है ये, उनको खाने ही नहीं दे रहा। और अभी दोस्तों मैंने ना ये देखें कबूतरों वाले, इसमें ना मैंने दोनों में पानी भर लिया है। और अब मैं ना ये मिक्स करता हूँ इसमें कोट जेरी जो मैं लेके आया हूँ। उन भाई ने कहा था कि सिर्फ एक चुटकी, ये देखें इतनी सी चुटकी में लेके ये इसमें डाल देना। कह रहे हैं दोनों में डाल के रख देना और 2 घंटे तक रखना है, ताकि फिर जब ये पानी कड़वा हो जाएगा, वो प्यासे होंगे ना, ये खुद वो खुद ही पियेंगे। फिर ये मैंने एक चुटकी इसमें डाल दी है, एक चुटकी मैंने इसमें डाल दी है। तो दोस्तों ये जो मैंने कुड़जीरी पानी मिला के रखी थी ना पिजन्स के, अब इनको इस पानी को ना उसके अंदर रख देते हैं ताकि ये पी लें। 1.5 घंटा हो गया, इनको प्यास भी लग रही होगी। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये मैंने पानी अंदर रख दिया है, अभी वो देखें उसने भर लिया मुंह में और बच्चे को ही पिला रही है अब। वो मैंने उसके उधर रख दिया, लेकिन सारा पानी इसने गिरा दिया। गाइस अभी मैंने ना अपनी डक्स और मुर्गे को दाना डाल दिया। ये देखें खा रहे हैं ये, लेकिन डक्स नहीं खा रही, डक्स फिर इधर आ गई। और देखें काम चेक करें। ओए होए अब ये सारा मुझे चुनना पड़ेगा नेस्टिंग मटेरियल का। देखें इन्होंने क्या हाल किया, जो कल बच गया था ना, ये देखें सारा का सारा फैला दिया पूरी छत पे, ये नीचे तक उधर। अब ये सारा समेट के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये नेस्टिंग मटेरियल ना मैंने नीचे यहाँ से समेट के इधर रख दिया, और इसके ऊपर ये टाइल रख दिया मैंने, ताकि ये ना फैले ना, हवा जब चले या अगर कोई भी मुर्गा शुरा कोई भी इससे पंगा करे फैले ना ये। आ जाओ भाई रैबिट्स। दोस्तों 3-4 दिन से ना मैंने अपने रैबिट्स को ना गाजर ही डाली, चले आज वो डालते हैं इनको गाजर। अब ये गाजर लेके मैंने उसके पीसीस कर लिए थे, लेकिन हमारे रैबिट साहब जी जो हैं ये दाना खा रहे हैं अभी। खोल देते हैं, ये लो भाई खोल दिया। आ जाओ भाई पिजन्स, आ जाओ। यार असल में ऊपर वालों को ना बाहर निकालना पड़ता है पकड़ के, वो ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये नीचे देखो खुद ही बाहर आ रही है ना, वो ऊपर वाले जो हैं उनको पकड़ के निकालना पड़ता है बाहर। अभी पकड़ के निकाल दो, निकालो पकड़ो, दिखाओ जल्दी से निकाल जाके। देख के पूंछ नहीं पकड़नी उनकी, वो फिर लके वाली शेप ही उनकी खराब हो जाएगी अगर पूंछ तोड़ तोड़ दिया आपने तो। और डर क्यों रहा है, नहीं मारता, पकड़ के बाहर छोड़ दो आराम से, दबाई में ना कभी उसका पेट दबा दो। ओ यार आप इधर आ जाओ, निकालो ना बाहर। गाइस देखें डर रहा है ये इसको ना मेल ना डरा रहा है, मार रहा है ये, इससे डर रहा है। और पकड़ लो, पकड़ लिया करो यार, देखें पकड़ ही सक रहा, डर रहा है डरे जा रहा बार बार। हटो मैं निकालता हूँ यार, आपके बस की बात नहीं है। और इधर आ जा यार, टाइम जाया हो रहा।
इससे तो पकड़ी नहीं गई अजान साहब से, अब मैं पकड़ता हूँ सर। ये एक आ गई है देखो, ऐसे पकड़ते हैं आराम से, ये छोड़ दी, ये आ गया मेल और ये यहाँ छोड़ दी। पाया नहीं कराओ, ये उठाओ और इनको ना अपने ना रैबिट्स के केज में डाल दो जाके, उनको नजर भी है कि आप डाल रहे हो। चलो जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, मगरिब हो रही है, जल्दी जाओ। अजान फिर आपने ना, जब मैं आपको कहूँ ना, आपने कैरेट्स भी उनके केज में डाल देनी है, ठीक है ना? सारी, हाँ सारी, चार टुकड़े सारे हैं, खा लेंगे आराम से। ये खा रहे हैं ना, अब वो भी इसको देख के जा रहा है, वो देखो वो चला गया, वो चला गया। अब तीसरे को ढूंढो, तीसरा कहाँ है, जल्दी तीसरा कहाँ है, इसको भी शीशी करो जल्दी जल्दी। चलो वो भी चला जाएगा, हट जा आगे से, इसको भी भगाओ। चलो भाई अंदर, चलो ये भी चला गया, चलो ये अंदर चला गया, चलो सही है चला गया। अब आप कैरेट डाल दो अंदर, उधर डालूं बस, सही यहीं डाल दो। ओ छुपा के क्यों डाल रहा है, थोड़ा इधर करके डाल दो। चलो बस ठीक है, अब कर दो इनको बंद। चलो इनको बंद तो करवा दो, बस ये मगरिब हो गई है, बंद करवा दो। ऐसा ऐसा करना, शीशी शीशी करो, चुप करके आराम से चले जाएंगे वो, आराम आराम से, ऐसा ऐसा, उन्हें घर पता चल गया वो अपना। ज़्यादा ज़ोर से करोगे फिर वो डरेंगे, अंदर ही जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। चलो बस अब ना ये पिजन्स रह गए, इनको जल्दी जल्दी बंद करते हैं, अजाने हो रही हैं। दोस्तों ये देखें, मगरिब हो चुकी है और अब हमने ना अपने सारे पेट्स को बंद कर दिया। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।